दोबारा नहीं बोलने दूंगा। मैडम, पिछले 3 साल में जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हमारे मुल्क में पेश आए हैं, इससे हमारी आंखें खून के आंसू होती है, रूह तड़पती है, जिस्म कांपता है और दिल लहूलहान होता है। और मैं आपसे वाजे तौर पर कहना चाह रहा हूं मैडम कि ये वाकयात नहीं खत्म होंगे। इसलिए नहीं खत्म होंगे क्योंकि ये सरकार रिलीजन को आइडियोलॉजी के तौर पर प्रमोट कर रही है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जिस दिन ये सरकार रिलीजन को या फेथ को मानेगी, आइडियोलॉजी तौर पर नहीं, ये वाकयात खत्म होंगे। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि क्यों खत्म नहीं होंगे, जब तक बीजेपी कल्चरल नेशनलिज्म को मानेगी, इस मुल्क में मॉब लिंचिंग होते रहेगी, दलित और मुसलमान मारे जाते रहेंगे। जिस दिन बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म को अपनाएगी, मॉब लिंचिंग खत्म हो जाएगी। तीसरी बात मैडम, ये सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में सरासर नाकाम साबित हुई है, ये किसी की भी जान बचाने में नाकाम साबित हुई है। इन्हीं के कर्नाटक में लोग मारे गए, केरल में मारे जा रहे हैं, और फिर पूरे मुल्क में इन्हीं की रियासतों में जहां पर ये इख्तदार पर है, मुसलमानों और दलितों को टारगेटेड किलिंग हो रही है। चौथी बात यह है मैडम, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अभी अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक नजमुल हसन नामी शख्स इंजीनियर है, रेलवे पुलिस ने क्यों पकड़ा उसको? वो शख्स बुरखा पहनकर ट्रेन में जा रहा था और रेलवे पुलिस ने पूछा क्यों पहना तुमने बुरखा, तो उसने कहा कि 3 दिन पहले मुझे लोगों ने मारा था, मैंने अपने आप को मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए मैंने बुरखा पहना। ये अखबारात में आया है, ये आप इसकी जिम्मेदार है या नहीं बता दीजिए। मैडम और दो बात मैडम जिसको खत्म कर दूंगा, मैडम मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि क्या सरकार काउ प्रोटेक्शन को, क्या ये हिंदू रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है? जिस तरह सिखों में 5 ककार है, मुसलमानों में रोजा, रमजान, दाढ़ी है, अगर ये डिसाइड करें काउ प्रोटेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, तय करिए। आप एडवाइस चाहते हैं, मैं सजेशन दे रहा हूं मैडम। और एक आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं मैडम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम इसराइल को गए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम ने एक यतीम बच्चे को अपने करीब बुलाया, उस पर रहम किया, उस पर दस्ते शफकत रखा। मैं आपके जरिए से वजीर आजम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह वजीर आजम ने एक मोशे नामी बच्चे को, जिसके वालिदैन को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने जान से मार दिया था, क्या हमारे वजीर आजम अपने घर में इखलाक के बेटे को बुलाएंगे, जुनेद के भाई को बुलाएंगे, अयूब खान के खानदान वालों को बुलाएंगे, कर्नाटक में आपके लोगों को मारने वालों को बुलाएंगे? बुलाकर उनको गले से लगाए वजीर आजम? अगर मोशे को गले से लगा सकते हैं तो यहां पर जिन लोगों ने उनको मारा वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है मैडम। और मैं आखिर में आपसे अर्ज करना चाहूंगा मैडम, आखिर में आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जुनेद के वाकये में FIR में लिखा गया कि उसको क्यों चाकू मारा गया, कि तू गाय का मांस खाने वाला है, इस पर चाकू मारा गया। और किसी को अगर 30 दिन में बेल हो जाती, क्या आपकी सरकार नहीं है वहां पर 30 दिन में बेल होगी? 90 दिन लगते हैं मैडम मर्डर केस में, आपकी सरकार सो रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी में नाकाम साबित हुए। मैडम मैं आखिर में आपसे कहना चाह रहा हूं कि वजीर आजम अगर वाकई में सच्चाई को मानते हैं, जबानी खर्च के कायल नहीं है, तो मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके शैडो आर्मी को रोकिए। और मैं आपके जरिए से मैडम, हिंदुस्तान के हमारी 5000 साल की तारीख अगर है, हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, बचा लो अपने आप को हिंदुत्व से। हमारी लड़ाई हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ है। इस मुल्क को इससे बचाना है। ये हुकूमत हिंदुत्व को प्रमोट कर रही है और टारगेटेड किलिंग कर रही है मुसलमानों और दलितों की। ये नाकाम साबित हुए हैं। मोदी सरकार की हुकूमत जब तक रहेगी, मॉब लिंचिंग चलता रहेगा। शुक्रिया मैडम।